जब जब इलेक्शन आता है तब तब इनको भगवान और मंदिर दिखाई देते हैं। 4.5 साल बीत गया, बीजेपी को मंदिर याद नहीं आई, बीजेपी को भगवान याद नहीं आए। 4 साल में इन्होंने जो वादा किया था केवल जुमला फेंका, जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। अब जनता जब इनसे सवाल पूछ रही है और इनकी सत्ता जाने वाली है तब इनको भगवान राम याद आते हैं कि हम भगवान राम की मंदिर बनाएंगे। मैं तो पूछना चाहती हूँ, भगवान राम की मंदिर आप कैसे बनाएंगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर कहा था कि हम साक्ष्य के आधार पर निर्णय देंगे। तो जब अयोध्या में खुदाई हुई तो वहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा निकली थी, वहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे। तो जब तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकला था तो आप वहाँ पर कैसे आप राम मंदिर बनाएंगे? वहाँ तो साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगी और उस आधार पर वहाँ पर मंदिर बनेगा, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मंदिर बनेगी वहाँ पर पहले। लेकिन ये तो जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते वो कहते हैं कि तारीख पे तारीख नहीं, निर्णय दो वरना मैं निर्णय स्वयं ले लूंगा। अरे भाई आप कैसे निर्णय ले लेंगे? जब कोर्ट बना है और जब कोर्ट निर्णय करेगा तब आप निर्णय करेंगे, आप ऐसे कैसे निर्णय करेंगे? इसके मतलब उनकी सोच आज भी है कि जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके और पूरे देश भर में उन्माद फैलाने का काम किया था, पूरे देश भर में दंगा कराने का काम किया था, आज वही फिर बीजेपी देश भर में वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए और ये पुनः पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म करके भारत, कभी भारत पाकिस्तान की बात करके, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करके और कभी दंगा करा करके देश सत्ता में आना चाहती है। लेकिन इनके उन्माद को देश का बहुजन पूरी तरीके से समझ चुका है, जान चुका है। अब देश के दलित और पिछड़े को ना तो इनको मंदिर चाहिए, अब इन्हें पिछड़ा दलित आदिवासी को मंदिर नहीं चाहिए, इनको भगवान से भलाई होने वाली नहीं है। अगर देश के बहुजन की भलाई होगी तो भारत के संविधान से होगी, इसलिए अब हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, अब हमको भारत का संविधान चाहिए। अब देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, अब देश भगवान के नाम पर नहीं चलेगा, अब देश भारत के संविधान पर चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि भारत के संविधान के तहत देश चलाया जाए, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और भारत में रहने वाले चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय के हो सबको बराबर का सम्मान अधिकार मिलता रहे।